तो ये ऐसे कन्ने बांधे जाते हैं पतंग। हाँ। रही है फिर हमारे साथ में काइट फ्लाई करने के लिए। बड़ा हो गया है क्योंकि पहले से दो डोर कटी हुई थी। आई बॉय आई बॉय। उतरते समय देखिए ऐसी सीढ़ियां हैं बनी हुई। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं यहाँ पे पुरानी दिल्ली में आया हुआ हूँ, हवेली में, जो कि बहुत 200 साल पुरानी हवेली है। इसका नाम है हवेली धर्मपुरा। तो ये चांदनी चौक के बिल्कुल सेंटर में, ये चांदनी चौक एरिया में है। तो ये यहाँ भी मेरे पीछे देखिए जामा मस्जिद यहाँ से नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छी हवेली बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये पैकेज लिया था, हाई टी पैकेज, जिसमें आपको स्नैक्स मिलते हैं, ड्रिंक मिलती है, और उसके साथ में आप काइट फ्लाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर में काइट फ्लाई करूँगा। और मौसम भी देखिए, ये देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम। तो हवा थोड़ी अगर चल गई तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे काइट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसकी तनियाँ डाली जाती हैं और फिर कैसे उसको उड़ाया जाता है हवा के अंदर। तो वो आज एक्सपीरियंस करेंगे। और खाना खा लिया है, पेट फुल हो गया है, और अभी टाइम है काइट फ्लाई करने का। तो आइए और आपको दिखाते हैं काइट फ्लाइंग कैसे। तो ये अभी एक ऊपर के छत का मैं आपको व्यू देता हूँ कि छत कैसी है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ के ये देखिए इस तरह का नज़ारा है कुछ। ये बहुत ही कुछ डेंजरस टाइप की सीढ़ियाँ चढ़ के ये ऊपर आ गए हम। तो ये देखिए सारा, ये है चांदनी चौक, ये पुरानी दिल्ली एरिया देख लीजिए आप भी। और ये है सामने जो व्यू नज़र आ रहा है, ये जामा मस्जिद है। और इस तरफ ये सीपी का एरिया पड़ता है। और ये है हवेली धर्मपुरा। कुछ पतंगे दे दी हैं जिसको कि मैं अभी उड़ाऊंगा। और मौसम ठीक है और उड़ाते हैं अभी। कुछ फॉरनर भी दिख रहे हैं, ऊपर आए हैं पतंग उड़ाने के लिए। और देखिए नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ पतंगे उड़ रही हैं। और थोड़ी देर में पतंग उड़ाएंगे हम भी और दिखाएंगे आपको ये पतंग कैसे उड़ाई जाती है। और बाकी ऑसम प्लेस है ये। और इसको मुझे ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई
क्योंकि ये मेन यहाँ पे आने के लिए आप डायरेक्टली अपनी कार से नहीं आ सकते, और यहाँ पे जो नियर बाई जो पार्किंग है वो जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन पार्किंग है, और वो भी 15 अगस्त की वजह से बंद थी, तो मुझे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जो है वो वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करनी पड़ी, और वहाँ से छोटा ऑटो जो है वो लेके यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन यहाँ पे आना बहुत कंजेस्टेड गली है, लेकिन आना जो है बहुत वर्थ था यहाँ पे, और खाना भी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का खाना है, जो भी स्नैक्स वगैरह इन्होंने दिए। और यहाँ पे मेरा जो टोटल इसमें 1200 प्लस टैक्सेस थे, जिसमें आपको फर्स्ट एक ड्रिंक दिया जाता है, फिर उसके बाद में कुछ यहाँ के जो लोकल स्नैक्स हैं, टिक्की हो गई, गोलगप्पे हो गए, तो वो सारा इंजॉय कर सकते हो। तो ये पतंगे हैं इस तरह की, इसमें से चांद छानते हैं कि कौन सी अली पतंग हमें उड़ानी है। ये अली इसमें बड़ा टेक्निकल चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा कि ये इसका जो तीर जो है ये सीधा होना चाहिए, तब ये सही उड़ेगी, नहीं तो ये थोड़ी सही लग रही है। तो चन्नी बना के इसकी इसको उड़ाते हैं, तो उस पर जा रहे हैं दो और मांजा लेके ऊपर। ये सही है, हैं? घूमे कितनी? ये है नया मांजा, और इससे फिर तो ऐसे उड़ते हैं पतंग। ओके, ऐसे कन्ने बांधे जाते हैं पतंग को, एक ये ऊपर, एक यहाँ पे छेद निकाल के, और एक यहाँ पे है ना सेंटर में, इसके सेंटर में, बीच में, मतलब और इसकी बैलेंसिंग बराबर होनी चाहिए, बैलेंसिंग के लिए दोनों साइड से, तो ये दोनों तरफ से बैलेंस करके इसको ये और ये चीज बराबर रहनी चाहिए, ये दोनों चीज तो ये बराबर करके इसको बांध दिया जाता है। तो ये पतंगे, ऊपर का मौसम अच्छा हो गया, आज हवा चल गई है फाइनली, और ये पतंग रेडी है अभी उड़ाने के लिए, ये इस तरह की ये पतंग। चलो, और ये मांजा है ना, अच्छा वाला बरेली वाला है अभी मांजा है, कौन सा मांजा? इतना खास तो नहीं है, लेकिन तो ठीक है, हमारी तो नहीं काट देगा कोई बंदा पतंग हैं। तो ये मांजा है, तो एक ये भी है, एक ऑरेंज कलर का, लेकिन ये वाले से उड़ाएंगे अभी। सर्दी है, वो क्या है? सर्दी है, सर्दी मतलब धागा, वो जैसे हाथ ना करे। ये भैया ये उड़वाएंगे हमें, लीजिए। तो ये जा रहे हैं पतंग को, आइए फिर उड़ाते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर इसकी कन्नी जो है वो आपने प्रॉपरली सेट नहीं की, ये टेक्निकल चीज़ है, अगर कन्नी इसमें सेट नहीं की है तो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी तो उड़ा नहीं पाओगे। तो कन्नी जो है वो जो इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड में, तो फिर आपकी जो पतंग है सीधी ऊपर को जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं जोल नहीं करेगी, तो ये ध्यान देना है। तो अभी पतंग उड़ा रहा था तो फंसने वाली थी ये सामने इलेक्ट्रिक पोल के अंदर, तो थोड़ा क्योंकि कन्नी उसकी सही नहीं है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। आई बो कट गई, कट गई, हमारी कट गई, उनकी कट गई। इससे लगाओ ब्लू वाली से, हमारी ऊपर चलेगी है, ज्यादा ऊपर चलेगी है, हमारे साथ मत लगा देना। सही मान जाए ये वाला, ये तो कट गई है।
घूम रही है ना। अरे एक और गई थी उसकी ना, नहीं वो गई है, एक और गई वाली क्योंकि टच हुई थी इसकी ना, मांझा टच हुआ था। ये तो चाइना वाला लग रहा है, ये देखो इतना चमक रहा है वाला, तार वाला का गड़बड़ हो गई है। तार वाला बैन है ना अभी, तार वाला मांझा तो बैन है अभी, है ना बैन है, लेकिन उन्होंने यहां समझ जाता है। ये जो दिख रहा है आपको ये चाइनीज मांझा है, चाइनीज मांझा। तो प्लीज़ जब भी आप पतंग उड़ाए तो चाइनीज मांझा से नहीं उड़ाएं, क्योंकि इससे गर्दन हाथ काटने का डर रहता है। खैच मार के उड़ा दी है हमारी पतंग, तो अब पहली पतंग कट गई है, तो दूसरी पतंग ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं। इस बार मैं स्टार्टिंग में खुद ही उड़ाऊँगा, तो थोड़ा एक्सपीरियंस, काफ़ी साल हो गए उड़ाए हुए पतंग, तो अभी दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है तो चलेगा। यहाँ से हवा तो नहीं निकलेगी नीचे जैसे, हैं पक्का ऐसे करके ये क्या किया इसे टू मच, हैं ये क्या हुआ, ये पता नहीं चला किसने काटा मेरा बताए। ये एक पतंग और दे दो। अरे ये पतंग देना यार, टेनन जस्ट सेंड लाइक फोर, नो व्हाट इज ही डूइंग। ये एक कबाड़ा हो गया है, क्योंकि पहले से दो डोर कटी हुई थी, तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, अपने आप कट गई है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो दोबारा से ट्राई करते हैं। वो यहीं कहीं गिर गई है पास में, कट गए फिर से ट्राई करते। ये चढ़ने की तैयारी होगी ये पतंग की, और ये थोड़ा सा दिखा दो, तो ये घूम रही है बहुत ज़्यादा, ये वाली पतंग है। इसने पहले वार्निंग दे दी थी मेरे पास मत आना है, मैंने तो उड़ा दूँ। ओए पड़ गया कोई नहीं, लपेट दो। एक और पतंग काट दी गई है। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, इसलिए आप देख सकते हो ये पतंग, ये जो उड़ रही है ऊपर को, ये वाली ब्लैक और पिंक कलर, जिसकी पिंक कलर की चोंच है ऊपर से, और ये ब्लैक है। बादल बहुत ही घने बादल हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि बारिश आ जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर, जब तक हम काइट उड़ा के चट जाएंगे तो तब तक बारिश आनी चाहिए, पहले नहीं आनी चाहिए। दूसरी पतंग भी उड़ गई है, और एक्चुअली पीछे से किसी और की पतंग थी, वो कट के आई थी, तो उसने उसका मांझा जो है मेरी पतंग के ऊपर आ गया, और मेरी पतंग भी हो गई। ये नीचे जाते हुए चढ़ते समय इतना डर नहीं लगा, लेकिन ये नीचे उतरते समय देखिए ऐसी सीढ़ियाँ हैं बनी हुई, तो बड़ा ध्यान से, ये भी एक एडवेंचर है नीचे जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय एडवेंचर। और यह थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊँ, ये पीछे है हवेली, और इस तरह की है ये, देखिए